अस्सलाम वालेकुम, लाहौरी शेर से उमैर ताहिर। माई कॉन्टैक्ट नंबर 0321-9537-814। आज मैं आपको DHA बहावलपुर की जो कैश पेमेंट पे फाइल्स हैं इनकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताऊंगा। वन कनाल की फाइल जो है और जो दस मल्ला की फाइल है कि इसकी लोकेशन किस जगह पे आ सकती है और कौन कौन से ब्लॉक अच्छे हैं और जो यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा DHA भावलपुर की वन कनाल जनरल एफिडेविट फाइल की, जो कि इस टाइम बहुत मिनिमम प्राइस पे है और ये बाइंग टाइम है। इस टाइम पे आप उसको बाय करते हैं तो आने वाले टाइम पे वो अच्छा प्रॉफिट देगी। और सेकेंडली, सबसे अच्छी जो बात ये है कि उसकी जो लोकेशन आ रही है वो बहुत अच्छी लोकेशन पर आ रही है। फाइल में भी आपकी फाइल जो है वो इस जगह पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, इस जगह पर जो फ्रंट पर ब्लॉक DHA का आएगा वो K ब्लॉक है और इसके नीचे जो है वो L ब्लॉक आएगा। N ब्लॉक के साथ जो है यहाँ पे M ब्लॉक आएगा और मतलब ये DHA भावलपुर का जो मेन गेट है, यहाँ से जैसे आप एंटर होंगे तो आपकी एक साइड पे जो है डिवाइडेड रोड, ये जो आप 255 रोड देख रहे हैं, इसकी एक साइड पे K ब्लॉक आएगा, एक साइड पे M ब्लॉक आएगा। नीचे वाली साइड पे मैंने आपको बताया है कि L ब्लॉक आएगा। और सेकेंडली, अगर हम इस साइड पर आ जाते हैं N ब्लॉक की बैक साइड पर, तो यहाँ पर P ब्लॉक, Q ब्लॉक और आगे जाके R ब्लॉक और इस नीचे वाले पोर्शन में जो है S ब्लॉक आएगा। मतलब ये है कि जो इसकी पूरे प्रोजेक्ट की बैक साइड पे जो है एक आधा ही ब्लॉक आ रहा है, लेकिन वो भी बैक साइड, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बैक साइड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यजमान रोड को जो है यहाँ से अटैच किया जा रहा है, DHA भावलपुर को यहाँ से अप्रोच दी जा रही है। तो जैसे यजमान रोड कम्प्लीट हो जाएगा, तो यजमान रोड से इस रोड को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह जब बैलेट होगा आपकी फाइल्स का, तो मे भी आपकी अगर आपका प्लॉट फ्रंट वाली साइड पे आ जाता है, मतलब K ब्लॉक, L ब्लॉक या M ब्लॉक या P ब्लॉक या Q ब्लॉक या R ब्लॉक, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है। अदरवाइज़ अगर S ब्लॉक पे भी आ जाता है तो यजमान रोड से ये दूर नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन के ऊपर। अगर इन ब्लॉक्स में से आ जाता है, किसी एक ब्लॉक में भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर जनरल लोकेशन का भी आ जाता है, तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइल में, क्योंकि यही अच्छा गेन आने के चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल जो है वो कॉर्नर का प्लॉट आ जाए या बरी रोड का आ जाए या फेसिंग पार्क प्लॉट आ जाए, तो ये काफ़ी चांसेस होते हैं। खैर, आपको कम से कम ये तो पता है कि आप अगर एक कनाल की फाइल ले रहे हैं तो अगर N ब्लॉक में मतलब कम से कम प्लॉट भी इस टाइम मतलब अच्छी प्राइस पे बिक जाता है, तो ये फाइल्स जब आपकी इन ब्लॉक्स में आएंगी तो उनकी प्राइस भी बहुत बेहतर होगी। तो इस टाइम बहुत रिजनेबल प्राइस है, ये मैं आपको कनाल की फाइल के बता रहा था। और कनाल की फाइल का बैलेट बहुत जल्दी DHA भावलपुर करेगा, जैसे ही बैलेट होगा तो प्राइस आप देखेंगे कि डे बाई डे इसकी बेहतर, मतलब बैलेट की जैसे न्यूज़ आएगी तो डे बाई डे प्राइस इसकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मिनिमम प्राइस पे आप बाइंग करें, मिनिमम प्राइस पे बाइंग करने का फ़ायदा ये होता है, जैसे मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकेंडली, ये जो आप डिवाइडेड रोड देख रहे हैं, N ब्लॉक और B ब्लॉक, इस ये डिवाइडेड रोड जाके आगे जाके यजमान रोड को अटैच होगा, तो इसकी एक साइड पे P ब्लॉक और नीचे वाली साइड पे जो है Q ब्लॉक आएगा। ये भी डिवाइडेड रोड, इसी तरह 255 रोड जो है वो आगे जाके यजमान रोड को अटैच होगा, तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। सेकंड मैं बताना चाहूँगा जो दस मल्ला फाइल है अभी, तो दस मल्ला के जो प्लॉट्स हैं वो सेक्टर C में हैं, सेक्टर D में हैं, सेक्टर F में हैं और सेक्टर E में है। ये चार ब्लॉक्स में जो है दस मल्ला के प्लॉट्स हैं। इसी तरह जो मज़ीद एफिडेविट फाइल्स हैं, इनके ब्लॉक्स भी जो है उनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम पे जैसे ये DHA भावलपुर बैलेट करेगा, इनकी प्राइस में भी खासा फ़र्क पड़ेगा। वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि आजकल जो है इनकी प्राइसेस में जो है काफ़ी बेहतरी आ रही है, क्योंकि काफ़ी मिनिमम प्राइस पर ये दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको बाइंग करें। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। DHA भावलपुर की डेवलपमेंट अगर आप देखें, मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट इस हद तक हो चुकी हुई है, मतलब स्कूल और यहाँ पे जो बैंक्स हैं, यहाँ पे मतलब जो कमर्शियल मार्केट है जो सेक्टर डी में है, सेक्टर डी में विलास में जो इन्होंने घरों में पोजेशन दे दिया हुआ है, तो मतलब डे बाई डे ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आने वाले टाइम पर मज़ीद बेहतर होंगी। तो अगर आप अपने किसी प्लॉट की या फाइल की को सेलिंग बाइंग के लिए मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है 0321-9537-814। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।